नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने के सामने विगत 10 दिसंबर को गैंग रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम के बाद प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय शिवशंकर सिंह ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें सपा जिलाध्यक्ष सहित 13 लोग नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव समेत 14 को नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रभारी निरीक्षक का आरोप है कि आरोपीगण रानी की सराय थाने के सामने इकट्ठा होकर मंच से पुलिस प्रशासन पर अपशब्दों की बौछार करते हुए विवेचना में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। साथ ही पूरे थाने का सरकारी सहित अन्य कार्य भी प्रभावित करने का आरोप लगा है। बता दें कि रानी की सराय थाने के रहने वाले एक 24 वर्षीय प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने 17 नवंबर को थाने में गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप था कि 16 नवंबर की शाम 5:15 बजे के करीब वह बाजार से घर जा रही थी। रास्ते में स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाश उसे अगवा कर चलती गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाया और धमकी देते हुए गाड़ी से नीचे फेंक कर फरार हो गए। गहन जांच पड़ताल और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 22 नवंबर को घटना का खुलासा कर दिया कि घटना फर्जी है। तभी से पुलिस के खिलाफ तमाम संगठनों के लोग लामबद्ध होकर पीड़िता के यहाँ पहुंचकर न्याय दिलाने और हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से रानी के सराय थाने का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस की माने तो इस मामले में अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उन सभी मामलों को भी पुलिस अपनी इस विवेचना में शामिल करेगी। तथ्य और सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीओ सदर मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रानी की सराय थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व जो है 376D से संबंधित एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और कल के दिन जो है कुछ लोगों के द्वारा थाने के सामने जो है अवैध रूप से जो है वो सभा की गई और प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो है विवेचना को बाधित करने का, उसको गलत डायरेक्शन में लिए जाने का उनके द्वारा जो है वो प्राविधान किया गया था पूरी तरीके से। और इस संबंध में इस चीज़ को जो है, इस दुस्साहसिक कदम को जो है वो बहुत ही संजीदगी से लिया गया है और इसमें जो है थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 14 नामजद लोग और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कुछ राजनीतिक संगठन से या कोई और? जी हाँ, कुछ राजनीतिक संगठन है, एक संगठन विशेष के लोग हैं, तो उनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।